नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने हिंदी कार्य पत्रिका है और कार्य पत्रिका संख्या है 129। ये हमारे पाठ वे दिन भी क्या दिन थे से ही संबंधित है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या कुछ करने को मिलता है। उपसर्ग एवं पत्तर, यानी कि हम उपसर्ग और पत्तर करने वाले हैं इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। कथा मतलब कि कहानी। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नी शब्दांश, शब्दांश मतलब जो शब्द का अंश है, शब्द का भाग है, पूरा शब्द नहीं है। नी कोई पूरा शब्द नहीं है, पर यह शब्द का अंश है जो रोग शब्द के साथ लगा है, वेश शब्द के साथ लगा है और डर शब्द के साथ लगा है। अभी हम देख रहे हैं नी और डर, नी और वेश, नी और रोग, इन शब्दों से ये आगे जुड़ा हुआ है। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। जैसे रोग का मतलब तो होता है अब कुछ कोई बीमार हो गया है, रोग, और निरोग का मतलब है रोग है ही नहीं, बिल्कुल अर्थ बदल गया। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम ऐसे शब्द को या शब्दांश को जो किसी शब्द से पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु और गम, ये बन जाएगा हमारा सुगम। अब गम शब्द से पहले सु लग गया तो सुगम, वन शब्द से पहले उप लग गया उपवन। चलिए देखते हैं प्रश्न एक, पढ़िए समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो पहला शब्द हम देख रहे हैं वी और चार, ये हो गया विचार। इसी के अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? विदेश। और उदाहरण क्या हो सकता है इसका? विशेष, वी और शेष। विकार, वी और कार। अगला देखते हैं उपहार, उपहार, उपकार, उपकार। और उदाहरण क्या हो सकता है? एक उदाहरण तो अभी हमने देखा उपवन, उप और वन, उपवन। एक हो सकता है उपयोग। अगला देखते हैं सुमन, सुमन। और उदाहरण क्या हो सकता है? सुगंध, सुविचार। अगला है नी और रोग, निरोग, निवेश, निवेश। एक हो जाएगा हमारा नी और डर, निडर। एक हो जाएगा हमारा निकट, निकट मतलब पास में। अगला देखते हैं बे मतलब यानी बिना मतलब के, बेदाम। अगला शब्द क्या हो सकता है हमारा? बेकार, बेकार, बेईमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। यानी कि अब आप किसी से मिल तो सकते नहीं हैं, तो आपको पत्र लिख के ही बात करनी है। तो पत्र अगर लिखना हो किसी रिश्तेदार को, कोई आपका रिश्तेदार जो दूर रहता है, आपके ताऊजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, या कोई भी रिश्तेदार जिनसे आप बात करना चाहें, मामा जी हो सकते हैं, उन रिश्तेदार से आपको जो कहना है आप एक पत्र के माध्यम से कहना है यहाँ पर। तो एक पत्र लिख के दिखाना है हमें, उस पत्र में हम कैसे क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको अपना पता लिखना है, जो पत्र भेजता है उसको अपना पता यहाँ लिखना होता है। पहले आप अपने मकान का नंबर लिखेंगे, फिर आप गली का नंबर लिखेंगे, और फिर जो कोई मोहल्ला है या कोई जो भी जगह है जहाँ पे आपका घर है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आज जो तारीख है, आज जो दिनांक है वो यहाँ पे लिखना है इधर, और फिर आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। आप अपने हिसाब से किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल एक उदाहरण है पत्र का, जो पत्र किसने लिखा है, बच्चे ने लिखा है अपने चाचा और चाची को। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ऐसे ही आप जिसको भी लिख रहे हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। मामा को लिखा है तो मामा जी का नाम लिखना है, या किसी और को भी अपने अपने पसंद के
अनुसार आप लिख सकते हैं जिसको भी आप पत्र लिखना चाहें। इसको पढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप, मुन्नी और टिंकू सभी स्वस्थ होंगे। हम भी सब ठीक हैं। हमारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। आपने से जैसे समझाया था, अब हम अच्छे से अपना कार्य कर पा रहे हैं। ऑनलाइन ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कक्षा के सभी छात्र और अध्यापक साथ में बात भी कर पाते हैं। रोज की नई वर्कशीट हमें मिलती है और मजा आता है। याद भी आती है हमें उन दिनों की और स्कूल की। अब इसके बाद भी आप कुछ भी, आप जो लिखना चाहें वह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरे वाक्य बना के आप लिख सकते हैं। और जब आपका पत्र खत्म हो जाएगा तो आप अपना नाम भी लिखेंगे। उससे पहले आप लिख सकते हैं आपका प्रिय, या जैसे भी आप मन चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। ये पत्र हमारा पूर्ण हो जाएगा।